हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत ही अहम होने जा रहा है। आप स्वास्थ्य के बारे में, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, अपने परिवार के सदस्य का, इनके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि नाखून को देख कर ही आप शरीर में जो होने वाली आगंतुक आने वाली जो बीमारियां हैं उसका पहले से पता चल जाता है, आप पता कर सकते हैं। और पता चल जाता है तो आप सतर्क हो सकते हैं, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आप उन बीमारियों से बच सकें। तो इस वीडियो में आपको मैं इन्हीं चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, और साथ में नाखून में जो होने वाले दिखने वाले जो आधे चांद होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें। नाखून में जो दिखने वाले हल्के चांद होते हैं उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आप उंगलियों से ही पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें हैं। हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर या वैद्य हमारे शरीर को बाहर से देखकर ही कई समस्याओं के बारे में बता देते हैं, फिर भी हमें लगता है कि आखिर डॉक्टर या वैद्य को कैसे मालूम कि हमें ये दिक्कत है, हमारे शरीर को ये दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। जबकि उन्होंने तो हमारी समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट भी नहीं किया होता। दरअसल हमारा शरीर किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। इस वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों को देखकर ही डॉक्टर या वैद्य हमारी कई दिक्कतों को बिना टेस्ट किए ही पकड़ लेते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको हमारे शरीर में होने वाली एक बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बदलाव हमारे शरीर में होने वाली कई दिक्कतों के बारे में संकेत देते हैं, जिन्हें नज़रअंदाज ना करते हुए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हमारे नाखून हमारी उंगलियों का ज़बरदस्त सुरक्षा कवच है, सुरक्षा प्रदान करता है। नाखून के नीचे होने वाली त्वचा काफ़ी नाजुक होती है और इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसे में नाखून ही हमारी उंगलियों की नाजुक त्वचा की सुरक्षा करता है। अलग अलग इंसान के नाखून भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के नाखून कोमल होते हैं तो किसी के सख्त होते हैं, और किसी के नाखून बिल्कुल साफ सुथरे और मुलायम होते हैं, और कई लोगों के नाखून तो हमेशा गंदे ही रहते हैं। इसके अलावा कई लोगों के नाखून में आधा चांद भी बना होता है। और आज हम आपको नाखून के नीचे बनने वाले इसी आधा चांद के बारे में बताने जा रहे हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहम होता है। पहले तो आप अपने हाथों के नाखूनों को चेक कीजिए और देखिए कि आपका नाखून के नीचे भी आधा चांद बना हुआ है। नाखून में बना होने वाला ये चांद हमारे स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कई तरह के संकेत देता है। अगर नाखून में बना आधा चांद सफ़ेद और साफ है तो समझिए आप बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। और अगर अंगूठे पर बना चांद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य उंगलियों पर ये हल्का अब बहुत हल्का या फिर ना के बराबर दिखाई देता है, तो ये चांद जितनी ज़्यादा उंगलियों पर दिखाई देगा मतलब समझिए कि वह उतना ही स्वस्थ है। नाखून पर दिखाई देने वाले ऐसे चांद को लूनुला LUNULA लूनुला कहा जाता है। जिन लोगों के नाखून में ये लूनुला बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो ये चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल शरीर में खून की कमी की वजह से लूनुला नहीं दिखाई देता,
इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के नाखून में दिखने वाला लोनोला सफ़ेद के बजाय पीला या नीला दिखे तो मतलब वह डायबिटीज़ का भी शिकार हो सकता है। इतना ही नहीं, कई लोगों में लोनोला का रंग लाल पाया जाता है। ऐसे लोगों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है कई प्रकार की। लोनोला के बारे में आपको इतना समझना होगा कि यदि ये सफ़ेद है तो ठीक है, इसके अलावा ये आपके नाखून में है या फिर सफ़ेद के अलावा किसी और रंग का है तो आपको डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, इसलिए आप उसको शेयर करें। धन्यवाद।